हेलो दोस्तों, 20 फैक्ट्स की इस सीरीज में हम आज बात करने वाले हैं काफी सारे लड़कों की क्रश साउथ इंडियन इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा राशि खन्ना की। आज हम आपको बताने वाले हैं राशि की जिंदगी से जुड़े मजेदार फैक्ट्स और उनके बारे में सुने अनसुने किस्से। जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नंबर एक, राशि खन्ना का जन्म 30 नवंबर 1990 को दिल्ली में हुआ था। इस हिसाब से अभी राशि 32 साल की हैं। राशि का जन्म भले ही दिल्ली में हुआ हो पर उनकी रूट्स पंजाब की हैं। नंबर दो, राशि पहले से एक्टर और सिंगर हैं। इन्होंने साल 2013 से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। इनके फिल्म इंडस्ट्री में 10 साल पूरे हो गए हैं। इनके एक्टिंग करियर को लेकर भी काफी मजेदार किस्से हैं जो आगे आपको पता चलेगा। नंबर तीन, खन्ना की फैमिली की बात करें तो इनके पापा का नाम राज के खन्ना है। इनके पापा मेट्रो सेल्स कॉर्पोरेशन में काम करते थे। इनकी मम्मी का नाम सरिता खन्ना है। इनके एक बड़े भाई भी हैं जिनका नाम रौनक खन्ना है। नंबर चार, राशि की एजुकेशन की बात की जाए तो इनकी स्कूलिंग दिल्ली के सेंट मार्क सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल से पूरी हुई। इसके बाद इन्होंने दिल्ली के ही लेडी श्री राम कॉलेज से बैचलर्स ऑफ आर्ट विद ऑनर्स इन इंग्लिश में ग्रेजुएशन पूरी की। नंबर पाँच, राशि बताती हैं कि वो स्कूल और कॉलेज के वक्त पढ़ाई में काफी अच्छी थी। उन्होंने अपनी स्ट्रीम में 12th क्लास में टॉप भी किया था। जब राशि छोटी थी तब उन्हें सिंगर बनने का शौक था पर जब वो बड़ी हुई उन्हें पढ़ाई में काफी दिलचस्पी हो गई। इसके बाद राशि ने IAS बनने की तैयारी शुरू कर दी थी। नंबर छह, राशि बताती हैं कि उन्हें न तो मॉडलिंग में कोई इंटरेस्ट था न ही एक्टिंग में। ये तो उनकी किस्मत थी जो इन्हें इस राह पर ले आई। कॉलेज में भी थी तो मैं बहुत ही शर्मीली सी एक लड़की थी। फ्रंट बेंचर थी हमेशा, 90% से ऊपर अटेंडेंस, सब अच्छा, एकेडमिक्स बहुत अच्छी है। जी जी, तो मैं बहुत ही शर्मीली थी, मैं ज्यादा बात नहीं करती थी, तो कभी मैंने फिल्मों के बारे में सोचा ही नहीं क्योंकि फैमिली में कोई था नहीं। नंबर सात, कॉलेज के दिनों में एक्टिंग में आने से पहले राशि ने एडवर्टाइजमेंट के लिए कॉपी राइटिंग में भी अपना हाथ आजमाया। नंबर आठ, कॉपी राइटिंग के बाद राशि ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की। जुलाई 2009 में फेमिना मैगजीन में ये कवर गर्ल के रूप में चुनी गईं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ये पढ़ाई में काफी अच्छी थी लेकिन जैसे ही इन्हें पहली फिल्म का ऑफर मिला इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई का प्लान ड्रॉप कर दिया और रुक कर लिया फिल्मों की तरफ। नंबर नौ, साल 2013 में राशि ने बॉलीवुड मूवी मद्रास कैफे से सपोर्टिंग रोल में डेब्यू किया। इस मूवी में राशि जॉन अब्राहम के वाइफ के रोल में नजर आई थी। ये मूवी हिट रही थी जिसने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। नंबर 10, मद्रास कैफे देखकर एक्टर श्रीनिवास अफसरला राशि से काफी इम्प्रेस हुए और उन्होंने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म ओहालू गुसा गुसलादे में राशि को लीड रोल ऑफर किया और बस यहीं से राशि का साउथ फिल्म इंडस्ट्री का सफर शुरू हो गया। नंबर 11, साल 2015 में आई बंगाल टाइगर जिसमें रवि तेजा राशि के अपोजिट रोल में थे। ये फिल्म राशि के करियर की बड़ी फिल्म साबित हुई। ये मूवी सुपर हिट रही थी जिसने 405 मिलियन की ग्लोबली कमाई की और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की 8th हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन गई। नंबर 12, राशि की सुपरहिट फिल्मों की बात करें तो 2015 में आई बंगाल टाइगर, 2016 की सुप्रीम, 2017 की जय लव कुश, 2018 की झोली प्रेमा और इसी साल आई इनकी इमाइका नोडिगल, 2019 में आई वेंकी मामा और प्रतिरोजु पंडागे, 2022 में आई तिरु चित्रम्बलम और सरदार इनकी हिट फिल्मों में से एक है और इन्हीं फिल्मों ने राशि को तमिल और तेलुगु सिनेमा में लीड एक्ट्रेस बना दिया। नंबर 13, राशि वेब सीरीज में भी नजर आने लगी है। 2022 में आई रुद्रा और डार्कनेस से इन्होंने वेब सीरीज की दुनिया में कदम रखा और फिर 2023 में आई फर्जी में भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। नंबर 14, जैसा कि अब तक हम जान चुके हैं कि राशि तेलुगु सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाती है। साल 2021 में फोर्ब्स इंडिया ने मोस्ट
इन्फ्लुएंशियल स्टार ऑफ द इंस्टाग्राम इन साउथ सिनेमा में 16th नंबर पर इन्हें रखा था। फेब 2023 में IMDb's पॉपुलर इंडियन सेलिब्रिटीज वीकली लिस्ट में इन्हें टॉप पर जगह मिल गई थी। नंबर 15। साल 2018, 2019, 2020 में राशि खन्ना को हैदराबाद टाइम्स ने मोस्ट डिजायरेबल वुमेन्स लिस्ट में टॉप 30 में जगह दी। इसके साथ ही 2018 और 2019 में चेन्नई टाइम्स ने भी मोस्ट डिजायरेबल वुमेन्स लिस्ट में राशि का नाम टॉप 30 में शामिल किया था। नंबर 16। राशि सोशल वर्क में भी पीछे नहीं है। खन्ना ने बी द मैरिकल नाम से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जो हैदराबाद में नीडी लोगों को फ्री में खाना उपलब्ध कराता है। राशि ने रोटी बैंक नाम से एक NGO शुरू किया है जो दूसरी NGOs के साथ मिलकर लोगों की अलग अलग जरूरतों को पूरा करती है। इस NGO की शुरुआत कोविड महामारी के वक्त हुई थी। नंबर 17। बात करें राशि की हॉबीज की तो राशि को सिंगिंग, पोएट्री रीडिंग और ट्रैवलिंग काफी पसंद है। इनके पसंदीदा खाने की बात की जाए तो इन्हें चाइनीज और लेबनीज खाना काफी पसंद है। नंबर 18। ये एक एक्टर के साथ सिंगर भी हैं। इन्होंने इनकी ही 2014 में आई फिल्म जोरू से एज अ सिंगर डेब्यू किया। इस गाने का टाइटल भी जोरू ही था। राशि की लव लाइफ की बात करें तो ये अभी अनमैरिड हैं। इनके अफेयर्स का तो कोई सबूत नहीं है पर क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह के साथ इनके अफेयर की काफी अफवाहें जरूर सामने आई थी। नंबर 19। बात करें राशि खन्ना की सोर्स ऑफ इनकम की तो ये मेन रूप से अपनी फिल्मों और वेब सीरीज में काम करके बेहतरीन इनकम अर्न करती हैं। वो हर फिल्म और सीरीज के लिए काफी मोटी फीस वसूलती हैं। इसके अलावा एक्ट्रेस कुछ बड़े ब्रांड्स को प्रमोट करके भी कमाई करती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एड के लिए 40 लाख की मोटी रकम चार्ज करती हैं और राशि खन्ना 55 करोड़ रुपए से भी ज्यादा दौलत की मालकिन हैं। राशि खन्ना के पास हैदराबाद में खुद का बहुत ही आलीशान घर है। इसके अलावा एक्ट्रेस के पास हरियाणा में भी बहुत ही बेहतरीन बंगला है। राशि खन्ना के घरों की कीमत करोड़ों में बताई जाती है। नंबर 20। इसके साथ राशि खन्ना लग्जरी कारों को बहुत पसंद करती हैं। एक्ट्रेस के कार कलेक्शन में कई शानदार कारें मौजूद हैं। आपको बता दें कि उनके पास ऑडी Q7, BMW 520D और रेंज रोवर वोक के साथ कई और बेशकीमती कारें हैं। तो दोस्तों, बॉलीवुड फिल्मों के लिए ऑडिशन के दौरान राशि को कई बार रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ा, लेकिन राशि ने कभी हार नहीं मानी। कभी उनको ओवरवेट बताकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। हालांकि राशि को ये यकीन था कि एक दिन वे अपनी मेहनत और लगन के दम पर इंडस्ट्री में अपनी जगह बना पाएंगी। आगे आने वाली फिल्मों में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ योद्धा और कई सारी तेलुगु और तमिल फिल्में शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थी राशि खन्ना से जुड़ी जानकारी। आप राशि की किस्मत के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिसने इन्हें फिल्मी दुनिया का चमकता हुआ सितारा बना दिया? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।